नेक्स्ट करने जा रहे हैं बी पार्ट फर्स्ट का. रुपीज 18,000 फॉर 2.5 ईयर एट 10% एनुअल कंपाउंडेड एनुअली. मतलब अच्छे निकालना अमाउंट थे कंपाउंड इंटरेस्ट की है. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 18,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट की है 10% एनुअली है बिकॉज असी कंपाउंड इंटरेस्ट भी एनुअली निकालना है. बट टाइमिंग की दी है 2.5 ईयर. अच्छा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है जो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वेले असी जो कंप्लीट ईयर है कंप्लीट ईयर असी सिंपली अमाउंट वाले फॉर्मूले कैलकुलेट करना है. जिन्ना भी साढ़े को ईयर कंप्लीट नहीं है चाहे वह हाफ ईयर चाहे 6 मंथ है चाहे 4 मंथ है चाहे 3 मंथ है जिन्ना भी टाइमिंग साढ़े को बच जाता है ईयर तो बाद असी सिंपल इंटरेस्ट न कैलकुलेट करना. यह चीज़ हमेशा याद रखनी है. हम ध्यान दो कि असी सिर्फ 2 ईयर ही निकालना है. Now we calculate simple interest for 2 years. असी 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ठीक है. बट सानू पता है सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना है उसके लिए सानू की चाहिए है अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला साढ़े को है फी प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 डेज टू पार एन एन यानी कि टाइमिंग. हुण याद रखिए 2 ईयर ही निकाल रहे हैं हाफ ईयर ही असी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगावे. प्रिंसिपल अपने को आ गया 18,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट की है 10/100 टाइमिंग किन्नी है 2 0 0 कैंसल. ये आ गया अपने को 18,000 एलसीएम लवेंगे की आ गया अपने को 10+1 रेज टू पार 2 यानी कि 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 2 ज़ीरोज़ की हो गई कैंसल. हम जो भी असं इन्होंने सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है अपने को 21,780 रुपीज़ ये अमाउंट आ गई किन्ने साल 2 साल. बट हम असं इंटरस्ट निकालना है किन्ने ईयर के लिए हाफ ईयर के लिए. सिंपल इंटरस्ट पर हाफ ईयर. राजे एक चीज़ होर याद रखो जदों भी असं सिंपल इंटरस्ट निकालना है जिन्हें भी मंथ साढ़े बच जाते हैं तो वो साड़ी जी प्रिंसिपल की अमाउंट है वो किन्नी आनी है जिन्नी साड़ी अमाउंट पहला आई है. जिवें मैं थोड़ा पहला दस के गई हाँ इंट्रोडक्शन के कंपाउंड इंटरस्ट जो भी निकालना है तो भी प्रिंसिपल की अमाउंट की होनी है चेंज. हूँ असं इतने प्रिंसिपल 18,000 नहीं लैके चलना असं इतने प्रिंसिपल कि लैके चलना है जिनी साड़ी अमाउंट आई है किन्नी अमाउंट आई है 21,780 रुपए. बस इस चीज़ पर खास ध्यान देना है. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला की है अपना 3 × r / t/100. आर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 21,780 रेट ऑफ इंटरेस्ट की है 10 इन्हें सेम रहना है टाइमिंग कितनी है हाफ ईयर यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई किया साढ़े को 100 जीरोज़ ना जीरोज़ की हो गई हैं कैंसल. 2 ना असी डिवाइड कर दें 2 1 2 2 8 16 2 9 18 2 8 16 2 9 18 मतलब सिंपल इंटरेस्ट साढ़े को हाफ ईयरली कि आ गया 1,089 रुपीज़. बट असी हजे 2 ईयर के लिए भी निकालना इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स क्योंकि ये सिर्फ कि हाफ ईयर के लिए. हुण असी 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल के लिए जो अं इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला की आता अपने को अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए अमाउंट साड़ी कि आई 21,780 माइनस प्रिंसिपल अपने को 18,000 जो असं इन माइनस करते हैं तो अपने को आ जाना है 3,780 रुपीज़. यह 2 साल के लिए. हम टोटल इंटरेस्ट कि आ जूगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर 2.5 ईयर के लिए क्या आजगा दोनों को असं की कर दें प्लस 3,780 प्लस की आ गया 1,089. हम जब असं इन दोनों टर्म्स में प्लस करते हैं प्लस करने तो बाद साढ़े को आ जाना है 4,869 रुपीज़. ये आया साडा कंपाउंड इंटरेस्ट. बट हजे अभी टोटल अमाउंट भी निकालनी है. हम टोटल अमाउंट पहला 2 साल के लिए तो असं कट चुके हैं 2 साल के लिए अमाउंट कि आई साड़ी 21,780 प्लस की आजगा जिन्ना साडा हाफ ईयर का प्रिंसिप इंटरेस्ट आया कि इंटरेस्ट आया 1,089. दोनों में जो असं प्लस कर देवे साड़ी टोटल अमाउंट आ गई दैट इज 22,869 रुपीज़. ये आ गई साड़ी टोटल अमाउंट और ये की आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके okay?